या सब लोग ओम श्री दुर्गे माता स्वाहा, ओम श्री दुर्गे माता। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। हम गोर लागतनी प्रणाम करतनी। और आज है नवमी का जो हम कन्या खिलाते हैं वो वाला दिन। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँ, कितने टाइम को, क्योंकि शाम को मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं दोपहर के 1 बजे ही अब हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, एक ही वीडियो डालूँ, लेकिन दोपहर के 1 बजे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और आज का ब्लॉग पूरा देखिए। कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है नवमी, मतलब नौवा दिन है नवरात्रि का। और हमारे यहाँ आज कन्या पूजन होता है। बहुत सारे जगहों पे ना अष्टमी को ही कन्या पूजन होता है और कन्या खिलाई जाती हैं, लेकिन सबके ना अपने अपने यहाँ के नियम हैं। और मैं ना काली माता के मंदिर आज एकदम जल्दी से हो आई सुबह सुबह ही, क्योंकि हर साल, मतलब बहुत सालों से मैं अष्टमी को ही वहाँ पे जो भी मेरी यथाशक्ति होती है वो मैं साड़ी कपड़े चढ़ाती हूँ, जो भी मुझे मतलब जितनी हो सकती है। बट इस बार क्या हुआ कि किसी रीज़न से मैं आज गई, कल मैं नहीं जा पाई थी। और वहाँ से आने के बाद भी मैंने पूरा पूजा वगैरह ख़त्म कर लिया। अभी हवन के लिए पंडित जी आएंगे, होम होगा, और उसके बाद अभी मुझे कन्या खिलानी है। तो मैं सारी तैयारियाँ सब्जी वगैरह में तैयार कर लेती हूँ, बाकी आटा वाटा लगा लेती हूँ, क्योंकि इस साल मैं खुद में सारी चीज़ें अकेले करने वाली हूँ। बहुत टाइम पे बहुत सारे लोग हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन इस बार कुछ है रीज़न जिसकी वजह से मुझे सारी चीज़ अकेले ही करनी है। तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज नौमी का व्रत मेरा, तो मतलब 9 दिन का मेरा व्रत है नवरात्रि का। पाठ सारा ख़त्म हो गया है जो दुर्गा सप्तशती का होता है, और बस अब कन्या खिलानी बाकी है। सब कुछ अच्छे से हो जाए माता रानी की कृपा से, तब जाके चैन मिले, तब जाके कल पारण हो हमारा। तो चलिए चलते हैं किचन में। उम्मीद करूँगी कि बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, इस वाले जगह में ना रम्या की स्टडी टेबल लगी हुई थी, तो यहाँ पे हमें कन्या खिलाना है। तो सारी तो सफाई मैंने कर दी थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले ही साफ़ कर देती चप्पलें जाती, तो इसलिए मैंने इसको एंड टाइम पे, मतलब मैं अभी इसमें झाड़ू और पोछा लगा दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि बार बार इसमें चप्पलें ना जाएँ और जो भी हमारा काम हो ना वो एकदम क्लीन हो। जो आलू है उसको उबालने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक यहाँ पे मैंने खीर बनाने की भी तैयारी कर ली। जब तक ना मैं चावल वगैरह बिन के रखूंगी और गोभी वगैरह काट के रखूंगी, तब तक मेरा आलू हो जाएगा। और इधर मैं दूध भी उबलने को रख देती हूँ, साथ साथ में खीर हो जाएगा। तो मेरे को बस आटा भी लगाना है और सब्जी काटनी है। तो बहुत सारे लोग ना तरह तरह से नियम होते हैं बनाने के, अपने अपने खिलाने के अपने अपने, है ना। चॉकलेट रम्या को और रम्या की मौसी ने भेजा है, बड़े बड़े ने 2 चॉकलेट भेजे और बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, बहुत टेस्टी टेस्टी सी चीज़ें। गुजरात का फेमस होता है ना सिंग दाना, वो भी भेजा था, बहुत टेस्टी लगता है। बट हमारे साइड ना मिलता नहीं है, वो उस तरीके से नहीं मिलता, मिलता है बट वैसा नहीं मिलता जैसा वहाँ मिलता। लगा देते कि 7:30-8 हो क्या वाला बटे कोई जगह उनका के हो काम ना।
टाइम से आ जी ने तेरे हाँ नहाए खाती ना हाँ। जाती है नहाए जाती है जाओ और मैं नहा लो अभी तैयार है जाओ बन गई है नहीं अभी थोड़ा बस देखिए यहाँ पे हमारी खीर जो है वो धीरे धीरे तैयार हो चली है। थोड़े जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको मैंने यहाँ पे काट के डाल दिया है। ओम श्री दुर्गे माता स्वाहा 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 हाँ। हाँ। प्रसाद हो गया अब चलो जल्दी से ना वो कर लेते हैं क्या बोलते हैं आटा लगा लेते हैं लेट हो रहा है हाँ। अक्षर रिजल्ट मिल गई थी आया है तेरा भी मेरा हाँ पर तू नहीं आई अच्छा तो लेके आई है नहीं मैं भूल गई थैंक यू बहन भूल गई तो आज का दिन मेरा शुभ जाएगा बड़ी मम्मी दिखलाती हैं कन्या अब छोड़ दी बस उसके बाद यहाँ पे मैं गरम गरम पूड़ियाँ बना लूँगी और मैं ना इस साल अकेले हूँ मतलब कि जब मैं कन्या खिलाती हूँ तो किसी न किसी कोई मेरे हेल्प करने के लिए आ जाता है तो क्या होता था ना कि एक साइड में खाना बना रही हूँ तो उस साइड में दूसरा काम मेरा हो जाता था लेकिन अभी मेरे को ये था कि पहले मुझे पूरी मतलब जितना भी पूरी तलना था जितना भी सब्जी सब कुछ मुझे करके फिर वहाँ जाना था क्योंकि मैं दो काम तो एक साथ कर नहीं सकती क्योंकि खिलाना पिलाना और जब सारी कन्याएं आ जाएंगी तो उसमें मैं बिज़ी हो जाऊंगी तो मैंने सोच लिया था कि जितनी भी पूरियां मुझे लगेंगी उतना मैं तल के और तुरंत मैं खिला दूंगी उसके बाद और अगर थोड़ा सा लगे कि और करना है तो मैं उसी टाइम पर गर्म गर्म बना लूँगी तो यहाँ पर ये जो है ये मेरे से बात कर रहे हैं और बोल रहे थे कि मैं जाऊँ अब धीरे धीरे मैं सबको बोल के आता हूँ कि अब समय हो गया है तो चलने के लिए तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और यहाँ पे ना मैंने ये प्लेटें मंगाई हुई हैं मतलब यथाशक्ति यथाभक्ति कोई ज़रूरी नहीं है जिसको जितना भी जिससे हो पाए उतना करना चाहिए तो मैंने यहाँ प्लेटों में ना ये बनारस से ही मैंने मंगाया हुआ था जब मेरी सिस्टर आई हुई थी ना तभी मैंने मंगा के रखा हुआ था और कई बार ही मतलब अलग अलग तरीके कभी मैंने एक बार थाली किया मैंने एक बार बड़ी प्लेटें करी इस बार मैंने छोटी छोटी सी ये वाली प्लेटें मंगाई हैं और मैंने एक एक रुमाल मंगाया है और मैं जो भी मेरी जितनी शक्ति है उतना मैं यहाँ पर करूँगी।